मैं नालंदा बोल रहा हूँ। भारत का वो इतिहास जिसे बेरहमी से जला दिया गया और कोई कुछ ना कर सका। जब बात इतिहास की आती है तो आप केवल मुगलों और अंग्रेजों में ही फंसे रहते हैं, कोई पलट कर मेरी तरफ नहीं देखता। मुझे इतनी बेरहमी से जलाया गया था कि वो आग आज भी मेरे सीने में दहक रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आप भूल गए, आप उस मंजर को भूल गए, आप पूरे के पूरे नालंदा का इतिहास भूल गए। इतिहास के काल मुख में ज्ञान का धार नालंदा, बिहार के पवित्र जमीन पर एक उज्ज्वल इतिहास नालंदा, ज्ञान विज्ञान वनस्पति और धर्म का समूचा संसार नालंदा, लेकिन दुश्मनी की आड़ में जला हुआ राख नालंदा, खोए हुए इतिहास का बर्बाद किस्सा नालंदा। हाँ, मैं नालंदा बोल रहा हूँ। सवाल ये नहीं कि इतिहास के पन्ने टटोलते समय आपकी उंगलियां कांपती क्यों नहीं, सवाल ये भी नहीं कि गैरों का इतिहास लिखते लिखते अपनों की दास्ता कोई समझा क्यों नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जिस विश्वविद्यालय ने हर भारतीय संस्कृति को अपने पुस्तकों में समेटे हुए काल के जाल में फंसकर अपना दम तोड़ दिया, उसकी चीख किसी ने सुना क्यों नहीं, वो मंजर किसी को दिखा क्यों नहीं। अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा लिखे इतिहास को अपना इतिहास मानने वाले तुम इतिहास के उस कालखंड को भूल गए जिस कालखंड में मैं खड़ा था। पूरे संसार को ज्ञान विज्ञान और धर्म का पाठ पढ़ाने वाला मैं नालंदा, आज तुम मेरे एक एक ईंट को मात्र 100-100 रुपए में बेचते हो, शर्म नहीं आती? खैर छोड़िए, आएगी भी कैसे, जिसे ये लगता है कि भारत का खोज तो वास्को डी गामा ने किया था, वो नालंदा को क्या याद रखेंगे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि खिलजी ने महज अपनी सनक के बल पर मुझे जलाकर खाक कर दिया। मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि खिलजी ने चारों ओर कत्लेआम मचा दिया था, बल्कि मुझे तो इस बात का दुख है कि जिस खिलजी ने बिहार की छाती पर चढ़कर मुझे रोन डाला, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर मेरे ही बिहार में स्टेशन बनाकर उसे कौन सा सम्मान दे रहे हो, उसकी मजार पर फूल चढ़ाकर सजदे कर उस खिलजी को अपनी नजरों में कहां बैठाए हो। अरे उस बख्तियार खिलजी ने केवल अपनी सनक के लिए 90 लाख किताबों को जलाकर स्वाहा कर दिया, जिसने भारत के इतिहास भंडार को 3 महीनों तक जलने के लिए छोड़ दिया, उस खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन बन जाता है। अरे उस खिलजी ने हमारे इतिहास की केवल जड़ें नहीं काटी, बल्कि पूरे के पूरे इतिहास की कालखंड को निर्वस्त्र कर दिया। कुछ तो शर्म करो, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो। खैर आप समझेंगे नहीं क्योंकि आप वहां नहीं थे, लेकिन मैं तो वहीं था। मेरी ही ठंडी छांव में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। अरे कैसे भूल सकता हूँ वो काला दिन जब 200 घुड़सवार आए और निहत्थे छात्रों पर कोहराम बनकर बरस पड़े। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मेरी एक एक ईंट रक्त से सनी हुई है, जो चीख चीख कर अपना इतिहास बयां कर रही है। आप मुझे केवल एक विश्वविद्यालय के नाम से ना आकिए, बल्कि आप मुझे इसलिए भी पहचानिए कि कितने ही ऐसे वेनसांग हुए जिन्होंने विदेशों में रहकर सालों साल केवल इसलिए अध्ययन करते रहे ताकि उन्हें बस नालंदा में दाखिला मिल जाए। मैंने हाल ही में सुना कि बहुत से स्टेशनों के नाम बदले गए। मेरी भी नजर बख्तियारपुर की तरफ थी, शायद इसके भी नाम बदल दिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको अपने मूल इतिहास, अपने नालंदा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरे खंडहर मेरा इतिहास हमेशा बयां करते रहेंगे।